हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा जो वीडियो है काफ़ी खास है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ किचन के यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ। अब वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आपको किचन टिप्स की वीडियोज़ अच्छी लगेगी और आप लाइक करेंगे, तो मैं अगली बार ज़रूर उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। टिप नंबर वन, इसमें यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, एयरटाइट कंटेनर है, जो मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। इसमें सारी दालें या जो भी छोले होते हैं उसे एक साथ कैसे स्टोर करें, और ताकि वो ख़राब भी ना हो, उसे हवा भी ना लगे, मैं बताऊँगी। ये थैलियों में हमने जितना यूज़ करना होता है दाल, बाकी का वो खुला रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इन्हें रबर बैंड लगा के एक ही कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इन्हें रख देती हूँ, क्योंकि ये कंटेनर में से हवा अंदर और बाहर नहीं जाती है, तो ये अंदर बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। प्लस ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आप बाहर से भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी दाल अवेलेबल है, कौन सी नहीं। इस तरीके से मैं रबर बैंड से इसे सिक्योर कर देती हूँ, ताकि दाल में तो हवा नहीं जाए, प्लस डब्बा जब हम बंद करते हैं तो हवा जाने का कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरीके से रबर बैंड मैं सामने ही रखती हूँ टांग के, ताकि मुझे कहीं यहीं में ढूंढना ना पड़े। जब भी मैंने दाल को या किसी भी पैकेट को मुझे रैप करना होता है, तो इस तरीके से मैं रबर बैंड लेती हूँ, उसे इस तरीके से पैक करती हूँ। तो फिर ये डबल पैक हो जाता है, ना तो उस पैकेट में हवा जाती है, ना ही इस डब्बे में जाती है, और आपकी दालें बिल्कुल ही सेफ रहती हैं। इस तरीके से आप भी इस टिप को आजमाइए। टिप नंबर टू, यहाँ पे हम जब किसी मिक्सर जार में कोई मसाला पीसते हैं तो उसे हाथों से निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इस तरीके का सिलिकॉन स्पैटुला यूज़ करती हूँ मैं। इससे हाथ तो बिल्कुल गंदे नहीं होते, मिर्च नहीं लगती हाथ में, प्लस जो मिक्सर कटर होता है वो भी हमें नहीं चुभता, और बहुत ही आसानी से हमारा जो कप है वो साफ़ हो जाता है। टिप नंबर थ्री है, जहाँ पे हम दाल जब हम कुकर में उबालते हैं, अगर कुकर छोटा होता है और हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो विसल से वो सारा पानी बाहर फुहारे की तरह उड़ने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए इसमें, एक दो चम्मच, इस तरीके से तीन चम्मच भी आप डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद जो आपकी दाल है उसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप इसे मिक्स करने के बाद कुकर का जो ढक्कन है उसे लगा दीजिए, और ढक्कन लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसे पकाएंगे, सीटी लगवाएंगे, तो आपकी जो दाल है बिल्कुल भी सीटी में से उड़ के बाहर नहीं आएगी। ये टिप बहुत काम आती है, ज़्यादा क्वांटिटी और कम छोटे कुकर में बनाना हो तो बहुत ही ये अच्छी रहती है। टिप नंबर फोर, यहाँ पे ये मेरा कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर के कैबिनेट्स हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है कबर्ड का, हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, इसलिए हमें याद नहीं रहता कि इन कबर्ड में हमने क्या क्या सामान रखा है। तो मेरी आदत है, जो भी सामान मैं अंदर रखती हूँ, कबर्ड का जो दरवाज़ा होता है उसी पे मैं एक चिट लगा देती हूँ, उसमें मैं लिख देती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। जो चीज़ मैं इसमें से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ उसे मैं कट कर देती हूँ, और जो मैं नई चीज़ इसमें ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नया आज कुछ सामान रखा है, तो उसे उसी के नीचे इस तरीके से लिखते जाती हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो कोई परेशानी होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे लेफ़्ट साइड में ढूंढना है या राइट साइड में ढूंढना है, बस मैं सिर्फ दरवाज़ा खोलती हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ इसमें वो चीज़ है या नहीं है, नहीं है तो दोबारा इसे बंद कर देती हूँ और दूसरे वाले को देखकर उसे पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, और हमें भूलता भी नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यही ट्रिक मैं अपने किचन में भी यूज़ करती हूँ, मेरे किचन के कैबिनेट्स है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये बहुत सारे कैबिनेट हैं, यहाँ पे आपने देखा कि तीन कैबिनेट से, तो हर एक कैबिनेट के दरवाजे पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे मैंने कौन सा राशन रखा है। और इससे एक तो आसानी हो जाती है कि ढूंढना तो आसान होता ही है, प्लस आपकी कौन सी चीज़ें ख़त्म होते जा रही है, आपने जो जो कट कर दी हैं चीज़ें, मतलब आपकी ख़त्म हो रही है, आपको याद रहेगा कि अगली बार आप जब बाज़ार जाएंगे तो उन्हें आपको ख़रीदना है। और इस तरीके से आसानी से आप कैबिनेट खोलिए और आपको याद आ जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी। मैं काफ़ी भुलक्कड़ टाइप की, इसलिए मेरे लिए तो ये टिप बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आई एम श्योर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब हम चलेंगे हमारी अगली टिप पे, जो कि है टिप नंबर फाइव। लहसुन छीलने में अक्सर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे एक टिप है, आप लहसुन की कलियों को इस तरीके से अलग कर लीजिए और उसके बाद में इसे पानी में भिगो दीजिए। ज़्यादा देर नहीं लगती आपको, 10 से 15 मिनट तक इसे पानी में भिगोना है। यहाँ पे मैंने पहले से भिगो कर रखा था। अब आप छुरी लेंगे और देखिए कितने आसानी से इसका जो छिलका है वो पील हो रहा है, मतलब कि जो पहले चिपका हुआ छिलका था लहसुन से, वो आसानी से नहीं निकल रहा था, क्योंकि हमने भिगोया, वो छिलका जो है लहसुन से अलग हो गया। तो बस हल्का सा आपने इस तरीके से लहसुन को, किसी भी लहसुन की कली को हाथ में लिया, छुरी ली, बस एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर, बस दो स्टेप में आपका जो लहसुन है वो छिलके बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। तो आई होप आपको ये भी मेरी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टिप में, जो है हमारी टिप नंबर सिक्स।
आटा जो है हम जब फ्रिज में उसे स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर से उसकी परत जम जाती है, एक सूखी सी परत जम जाती है, और अगली बार जब हमें उसकी रोटियां पकानी होती है तो पहले हमें वो परत हटानी पड़ती है। तो वो ना जमे, उस तरीके की लेयर ऊपर सूखी हुई ना बने, उसके लिए हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर लेंगे अगेन, जिसमें से हवा पास नहीं होती हो। इसके चारों तरफ इस तरीके से ऑयल ग्रीस लगाएंगे, ढक्कन को भी लगा लेंगे, और ये जो आटा है इसे हम इस एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। जो लोग स्टील के किसी बर्तन वगैरह में स्टोर करते हैं उन्हें ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि ऊपर से एक सूखा सा छिलका बन जाता है जो बाद में हमें फेंकना पड़ता है खरोंच कर। तो आप इसे तेल लगाइए, आटे को भी, जो हमारा डब्बा था उसे भी तेल लगाइए, और फिर इस डब्बे के ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट बंद करके फिर ही आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। देखिए ऊपर की परत तो बिल्कुल नहीं जमेगी, ना ही आटा काला होगा। आप दो दिन तक भी इस आटे को यूज़ करेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रेश लगेगा आपको आटा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगाया, आपकी जो रोटियाँ हैं वो भी सॉफ्ट बनेंगी और बहुत आसानी से बेलन से भी बेली जाएंगी। तो ये था हमारा अगला टिप। अब हम इसके बाद हमारे अगले टिप पे चलते हैं, जो कि है टिप नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 7। यहाँ पे ये पनीर है। पनीर कभी कभी हम तो जितना हमें यूज़ करना है हम यूज़ कर लेते हैं, और कभी कभी हमें बाद में यूज़ करना होता है। तो अगर डायरेक्टली आप फ्रिज में स्टोर करते हो तो वो कड़क हो जाता है, तो उसे आप पानी में रख के इस तरीके से स्टोर कीजिए ताकि वो सॉफ्ट रहे। आप खाली उसका घड़ी घड़ी एक दो दिन में पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि पानी ख़राब हो जाता है, हमारा पनीर नहीं। इस तरीके से आप स्टोर करेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगला टिप नंबर 8 है चाय। हम सुबह सुबह कभी कभी चाय बनाते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं तो वो उबलने लगती है, उबल के सारी पतीले से बाहर आ जाती है, गैस गंदा हो जाता है, शेल्फ गंदा हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस तरीके का एक चम्मच जो है आप चाय में रख दीजिए। अगर चाय को उबाल आने वाला होगा और आप चाय के पास नहीं होंगे तो भी चाय जो है आपकी पतीले से बाहर निकल के गैस पे या आपके शेल्फ पे बिल्कुल नहीं गिरेगी, स्लैब पे बिल्कुल नहीं गिरेगी, कोई छींटे कोई गंदगी कुछ नहीं आएगी, और अच्छे तरीके से चाय को उबाल आता रहेगा। और आप उसी टाइम पे अपना कोई और काम कर रहे होंगे तो आपको भागकर चाय की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगली हमारी टिप नंबर 9, इस तरह के कोई भी सूखे मसाले, भले वो अजवाइन हो, लौंग हो, इलायची हो, सौंफ हो, जो भी सूखे मसाले आप घर में यूज़ करते हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं तो उनके ख़राब होने का डर होता है, उसमें कीड़ा लगने का डर होता है। तो आप क्या करें, एक फ्राइंग पैन को इस तरीके से गर्म कर लें। यहाँ पे फिलहाल मैंने खाली अजवाइन आपको गर्म करके बताई हो, पर आपके पास जो भी सूखे खड़े मसाले हैं आप उनको इस तरीके से फ्राइंग पैन में थोड़ा सा सेक लीजिए, और हल्का फुल्का सेक लेने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद फिर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें कीड़ा कभी भी नहीं लगेगा, आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए, बहुत महीनों तक के लिए इस चीज़ को, इन खड़े मसालों को आप यूज़ कर सकते हैं, ख़राब होने की कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। बस इसी तरीके से आप ठंडा करके स्टोर कर लीजिए। और हमारी लास्ट टिप आज की, टिप नंबर 10, जब आप दूध को दही बनाने लगते हैं और उसे रख के कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने दही रखा था और वो पड़ा पड़ा खट्टा हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दही को ढक देने के बाद, यानी कि दूध को ढक देने के बाद, अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लेती हूँ। अगर समझो आपको 7 घंटे के बाद दही को चेक करना है तो 7 घंटे बाद का अलार्म लगा लेती हूँ। जब मेरे मोबाइल पे अलार्म बजता है तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, मुझे दही को फ्रिज में रखना है। बस इसी तरीके से आप भी ये टिप्स यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही।